हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के विधायक भरत गोगोले साहब है। सर, क्या आप सरप्राइज हो गए एनसीपी के एंट्री से? क्योंकि आप लोग जब पार्टी से निकले, मेरे को आपके बयान याद है कि एनसीपी फंड नहीं देती, काफ़ी प्रॉब्लम सरकार में ला रही थी, और अब एनसीपी आपके साथ आ गई है। ऐसी बात है नहीं, लेकिन जो सही था वो सही था। अभी साथ में आया है मेहमान, तो उनको लेके चलना है, और वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय किया है, तो हम लोगों को भी तय करना पड़ेगा, और हम लोग उनको सब साथ लेके चलेंगे। लेकिन ज़रूरत क्या थी? आपकी सरकार स्टेबल थी, मुख्यमंत्री साहब से आपकी बात, ठीक है, लेके आ गए उनका फैसला, लेकिन आप लोगों ने तो पूछा होगा ना कि ज़रूरत क्या थी? आपकी सरकार स्टेबल थी, किसी विधायक की ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को? देश के ऊपर के राजनीति के लिए ये सब करना पड़ा है, और देश में वापस जो मोदी साहब को लाना है, तो ये सब कारण करना पड़ेगा, और एक कर दिया। यानी आपको लग रहा है कि लोकसभा में आप दोनों रहते तो मुश्किल आ जाती थी महाविकास आघाड़ी के सामने? मुश्किलें तो ऐसे नहीं है, लेकिन थोड़ा सीट कम ऊपर हो सकता है ये इनके बारे में, इसलिए ये फैसला किया है, और फैसला किया है वो अच्छा किया है, क्यों जो ये 10-15-20 पार्टी एक साथ आने वाली थी, और जो माहौल बना रखा था पटना में, उनका मीटिंग भी हुआ, तो उनको पहला छेद महाराष्ट्र ने अजीत पवार साहब के रूप में दे दिया। नहीं, लेकिन अब सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लंबे समय से सोच रहे थे कि कैबिनेट का हिस्सा आप रहेंगे, क्योंकि आप चीफ व्हिप भी है, शिंदे साहब के बहुत करीबी भी है, तो क्या आपको साहब ने कहा अभी अभी होने वाला है? होने वाला है ना, इसलिए तो मैं लाया ना, कोट बीट पहन के क्यों लाया है? वो तैयारी में है, हम लोग जैसा फोन आएगा वैसा मैं तुरंत भाग के आएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी 101% तक्का भी कम नहीं, मैं बोला ना एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है वैभव 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 नहीं क्या वैभव या आमदार साहब या ये एक मिनट, मेरे साथ वैभव नाइक जी है जो कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक है। ये बताइए कि कह रहे हैं कि कोर्ट सिलवा के रखा हुआ है और मंत्री पद की शपथ जल्द ले। उन्होंने एक साल से कोर्ट सिलवाया है, एक साल से बोल रहे हैं कि वो मंत्री होगा, और जिनके अपोज में वो गए थे वो तटकरेत आई फिर मंत्री हुई। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सासू के ये हुआ मराठी, सासूशी भांडण होता आणि सासूच वाटायला आली, अशी अवस्था भरत शेटची झालेली आहे, आणि त्यामुळे त्यांनी ज्याप्रमाणे शिवसेनेच्या विरोधात कुरघोडी केली होती आणि बाहेर पडले होते, तशीच कुरघोडी त्यांनी करण्याची हिंमत या ठिकाणी दाखवावी। आप देख सकते हैं कि वैभव नाइक का साफ तौर पर कहना है कि आज उन्हीं एनसीपी के लोगों के साथ इन्हें सत्ता शेयर करनी पड़ रही है, और मुख्य तौर पर भरत सेठ गोगोले जो कि विधायक है, लंबे समय से ये उम्मीद लगाए बैठे कि वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, लेकिन अब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, उन पर भी वो तंज कस रहे। कैमरा पर्सन